नमस्कार, स्वागत आप सभी का बाजारों की चाल के अंदर। मैं हूं आपके साथ अखिलेश शेट्टी और बाजारों की चाल में चर्चा होने जा रही है यहां पे कृषि फसलों के वायदा बाजार के बारे में। जानेंगे कि आज कृषि फसलों का वायदा बाजार शाम के कारोबारी सत्र में कैसा कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है, किस कृषि फसल के अंदर कितनी मनी तेजी के साथ कारोबार दर्ज किया जा रहा है और क्या फंडामेंटल्स हैं। ये भी जानेंगे कि आगे जाके किस कृषि फसल के अंदर कितनी मंदी तेजी देखने को मिल पाएगी। तो सबसे पहले शुरुआत करेंगे हम यहाँ पे कैसे सीड से। तो देख रहे हैं कि NCDX पर इस वक्त कैसे सीड का अक्टूबर वायदा 6000 के घरों में कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। देख रहे हैं कि आज कैसे सीड की कीमतों में लगभग 2% की एक करेक्शन बनती हुई नजर आई है। कैसे सीड के अंदर आज एक हल्की सी करेक्शन बनती हुई नजर आ रही है। आपको बता दें कि कैसे सीड के जो फंडामेंटल्स हैं मजबूत हैं, जैसे कि कैसे की बुआई का रकबा इस साल घटा है पिछले साल के मुकाबले, लगभग 15% तक घट सकता है, यानी कि 6.3 लाख हेक्टेयर कैसे सीड की बुआई का जो रकबा है 6.3 लाख हेक्टेयर पिछले साल के मुकाबले इस साल कम देखने को मिल सकता है। इसका कई सारे कारण है। पहला तो ये कि पिछले साल कैसे सीड की जो कीमतें थी वो बहुत ही ज़्यादा कम देखने को मिली थी, इतनी कम कि किसानों ने कैसर की बुआई छोड़ दी और दूसरी फसलों की बुआई कर ली, जिसकी वजह से इस बार कैसर की बुआई का रकबा काफ़ी ज़्यादा घटा है। और दूसरा, इस बार कैसर की जो मांग है घरेलू स्तर पर भी और विदेशों में भी जो निर्यात मांग है कैसर की वो निकल के सामने आ रही है, कैसर सीड के साथ साथ कैस्टर ऑयल की भी, जिसकी वजह से कैसर की कीमतों को लगातार सहारा मिलता रहेगा। वहीं मोतीलाल ओसवाल के वाइस प्रेसिडेंट अमित सजेजा के मुताबिक कैसर सीड की जो कीमतें हैं अभी नीचे में 5930-5940 तक कारोबार करती हुई नज़र आ सकती हैं, लेकिन जो डाउनसाइड रहेगा वो बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड रहेगा। 5930-5940 तक ही मैक्सिमम नीचे डाउनवर्ड्स में कीमतें जाएंगी और फिर निचले स्तर से खरीदारी निकलेगी जो कि कीमतों को ऊपर में लेके जाएगी। अगर कैसे सीड की जो कीमतें हैं 6300 के ऊपर निकल जाती हैं और डेली बेसिस पर 6300 की क्लोजिंग आती है, तो अमित सजेजा के मुताबिक कैसे सीड की जो कीमतें हैं उनके अंदर 6700 से लेकर 6800 तक के भी लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। तो कैसे सीड में ओवरऑल अभी तेजी का रुझान बना रहेगा। कैसे सीड के साथ बात करें यहाँ से अगर चने की, तो चने का अक्टूबर वायदा देख रहे हैं कि 4853 पर कारोबार कर रहा है। देख रहे हैं कि जो चना 6000 के पार भी जाता हुआ नजर आया था, अब उसी चने की कीमतों के अंदर प्रतिबंध लगने की वजह से और दाल दलहन पर स्टॉक लिमिट लगने की वजह से, सरकार की नज़र पैनी होने की वजह से दाल दलहन की कीमतों पर भी एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता हुआ नज़र आ रहा है। चने की कीमतों में भी देख रहे हैं कि नरमी के साथ कारोबार दर्ज किया जा रहा है। बात करें यहाँ से अगर बिनौला खल की, तो बिनौला खल में देख रहे हैं कि बिनौला खल का अक्टूबर वायदा इस वक्त, बिनौला खल का दिसंबर वायदा 2516 पर कारोबार करता हुआ नज़र आ रहा है 1.5% की गिरावट के साथ। देख रहे हैं कि आज शाम के कारोबारी सत्र में बिनौला खल की जो कीमतें हैं वो लगभग 1.5% की गिरावट के साथ कारोबार करती हुई नज़र आ रही हैं। बिनौला खल में भी जानकार आप बता रहे हैं कि बिनौला खल की कीमतों में धीरे धीरे तेजी बनती रहेगी, क्योंकि कॉटन में भी देख रहे हैं कि अब तेजी बन रही है और जानकार भी बता रहे हैं कि बिनौला की जो डिमांड है अब आने वाले दिनों में बढ़ जाएगी, इंडस्ट्रियल डिमांड निकलेगी बिनौला खल की, जिसकी वजह से बिनौला खल की कीमतों को सपोर्ट मिलता हुआ नजर आएगा। दूसरा, कपास की कीमतों में तेजी रहने का सपोर्ट भी बिनौला खल की कीमतों को मिलेगा। और तीसरा, बिनौला खल की जो सप्लाई है, जानकार अभी ऐसा बता रहे हैं कि बिनौला खल की जो सप्लाई है वो थोड़ी टाइट रह सकती है आने वाले कुछ दिनों में, जिसकी वजह से बिनौला खल की जो कीमतें हैं उनमें तेजी देखने को मिल पाएगी और बिनौला खल की कीमतें ऊपर में 2700 तक देखने को मिल सकती हैं। बात करें यहाँ से अगर मसालों की, तो मसालों में देख रहे हैं कि धनिया का अक्टूबर वायदा 7742 पर है, 2% की करेक्शन है आज। बात करें जीरे की, तो जीरे का अक्टूबर वायदा 14600 पर है, 1.25% की करेक्शन है। और बात करें हल्दी की, तो हल्दी का अक्टूबर वायदा 7278 पर है हल्की सी करेक्शन के साथ। देख रहे हैं कि आज मसालों का वायदा बाजार लुढ़कता हुआ नजर आया है। दरअसल सबसे पहले बात करें अगर जीरे की, तो जीरे की जो अराइवल्स है मंडियों के अंदर ठीक ठाक है, पर्याप्त स्टॉक मौजूद है, जिसकी वजह से जीरे की जो कीमतें हैं वो एक नरमी के साथ कारोबार करती नज़र आ रही हैं। ओवरऑल रुझान जो जीरे का है वो तेजी की ही हो रहा है, क्योंकि अब तुर्की और जो सीरिया है वहाँ भी जो जीरा है इतना, उसकी जो क्वालिटी इतनी अच्छी देखने को नहीं मिल रही है। भारतीय जीरे की क्वालिटी ज़्यादा अच्छी है तुर्की और सीरिया के मुकाबले, और भारतीय जीरे की जो मांग है विदेशों में भी देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से जानकार अभी बता रहे हैं कि आने वाले समय में
जीरे की जो निर्यात मांग है वो बढ़ सकती है, जिसकी वजह से जीरे की कीमतों को सपोर्ट मिलता हुआ नजर आ सकता है। जीरे की कीमतें एक बार फिर से जानकारों के मुताबिक ऊपर में 15,000 का लेवल टच करती हुई नजर आ सकती है वैध बाजारों के अंदर। आपको बता दें कि हाल फिलहाल में अभी मसालों के निर्यात में गिरावट देखने को मिली है। सितंबर के महीने में हल्दी, जीरा और धनिया तीनों ही मसाला में 30-30% की, लगभग 33% की निर्यात मांग में गिरावट आती हुई नजर आई है। ये जो निर्यात मांग में गिरावट आई है ये ऊंची कीमतें रहने की वजह से देखने को मिली है, लेकिन अब जीरे की जो मांग है, जो निर्यात मांग है वो बढ़ती हुई नजर आएगी आने वाले कुछ समय के अंदर। बात करें धनिए की, तो जिस हिसाब से बारिश होती हुई नजर आई है तो धनिए की और हल्दी की अगली फसल अच्छी होने की बात बताई जा रही है कि ठीक ठाक देखने को मिल पाएगी। हालांकि जानकार अभी धनिए में तेजी बता रहे हैं कि धनिए की जो कीमतें हैं आने वाले दिनों में जो हमने अगस्त में लेवल्स आते हुए देखे थे वही देखने को मिल पाएंगे। और बात करें हल्दी की, तो हल्दी में भी 7,800 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल्स हैं, अगर वो उन पर डेली ब्रेकआउट देखने को मिलता है, डेली क्लोजिंग देखने को मिल जाती है, उन लेवल्स पर एक ब्रेकआउट देखने को मिलता है तो मसालों की कीमतों में भी एक तेजी देखने को मिल पाएगी। और आपको बता दें कि इस बार हल्दी के जो आंकड़े हैं ठीक ठाक देखने को मिल रहे हैं, और अगली बुवाई जो बताई जा रही है हल्दी की वो भी ठीक ठाक ही बताई जा रही है कि हल्दी की जो आने वाली बुवाई होगी वो भी ठीक ठाक ही देखने को मिल पाएगी। बात करें यहाँ से अगर ग्वार कॉम्प्लेक्स की, तो देख रहे हैं कि ग्वार गम का अक्टूबर वायदा इस वक्त जो कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है 10,463 पर है 2.5% की करेक्शन के साथ। और बात करें ग्वा सीड की, तो ग्वा सीड का अक्टूबर वायदा 5,965 पर है 1.5% की करेक्शन के साथ। देख रहे हैं कि दो दिन की तेजी के बाद आज ग्वार गम और ग्वा सीड की कीमतों में एक गिरावट के साथ कारोबार दर्ज किया जा रहा है। आपको बता दें ओवरऑल अभी ग्वार की कीमतों में जानकार अभी तेजी का ही रुझान बता रहे हैं कि जो ग्वार की कीमतें हैं उनमें तेजी देखने को मिल सकती है। ये इसको कह सकते हैं कि ऊपरी स्तर से एक प्रॉफिट बुकिंग बनती हुई नजर आ रही है। आपको बता दें कि मोतीलाल ओसवाल के वाइस प्रेसिडेंट अमित सजा के मुताबिक जब तक ग्वार की कीमतें 9,800 से लेकर 10,000 के ऊपर बनी हुई हैं, ग्वार की कीमतों में तेजी का ही रुझान है और ग्वार गम की कीमतों के लिए 10,500 और 10,800 ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल्स हैं जिनको अभी ब्रेकआउट करना बाकी है। एक बार डेली बेसिस पे इन लेवल्स पर भी क्लोजिंग आनी बाकी है, और अगर एक बार इन लेवल्स पर क्लोजिंग आ जाती है और ग्वार गम की कीमतें 11,200 के ऊपर निकल जाती हैं, 11,200 के भी ऊपर सस्टेन हो जाती हैं ग्वार गम की कीमतें, तो आने वाले दिनों में अमित सजाजा के मुताबिक ग्वार गम की कीमतों में 12,000 तक के भी लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। और ग्वार गम की कीमतों में जो खरीदारी के लेवल्स दिए हैं अमित सजाजा ने, वो नीचे में 10,000 से 10,100 के लेवल्स पर खरीदारी करके चला जा सकता है ग्वार गम की कीमतों में अच्छा मुनाफा पाने के लिए। बात करें ग्वार सीड की, तो ग्वार सीड की कीमतों में अगर ग्वार सीड की कीमतें 6,200 का डेली बेसिस पर क्लोजिंग देती हैं तो 6,300 से लेकर 6,600 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं, और ग्वार सीड की कीमतों में 5,900 के लेवल पर खरीदारी करके चला जा सकता है अमित सजय के मुताबिक। तो ये तो बात करी थी हमने कि किस लेवल पर ग्वार गम में खरीदारी बिकवाली करके चला जा सकता है। अब बात करते हैं ग्वार गम के फंडामेंटल्स की, ग्वार में एक्चुअल की ग्राउंड रिपोर्ट क्या है, ग्वार में तेजी एक्चुअली बन क्यों रही है। सबसे पहला तो ये कि जो कच्चे तेल है, कच्चे तेल की कीमतों में तेजी देखने को मिल रही है जिसकी वजह से ग्वार का वायदा बाजार उछलता हुआ नजर आ रहा है। दूसरा, ग्वार का जो उत्पादन है इस बार लगभग पिछले साल के मुकाबले आधा रहने की उम्मीद है। पिछले साल ग्वार गम का जो उत्पादन हुआ था वो लगभग 50 से 60 बोरी हुआ था और इस बार 20 से 25 लाख ही बोरी होने का अनुमान है। तो यानी कि पिछले साल के मुकाबले इस साल ग्वार का जो प्रोडक्शन होगा, जो उत्पादन होगा वो लगभग 45-50% कम रह सकता है। आपको बता दें कि चालू सीजन में जब ग्वार की बुआई का समय था तब बारिश की गतिविधियां ज़्यादा देखने को मिली थी जिसकी वजह से ग्वार की बुआई इतनी नहीं हो पाई। मुख्य उत्पादक राज्यों में ग्वार की बुआई नहीं हो पाई है भारी बारिश के चलते, मौसम की गतिविधियां तेज होने के चलते, और जो स्टॉक यूज़ हो रहा है वो पिछला स्टॉक यूज़ हो रहा है क्योंकि काफ़ी सालों से ग्वार का जो स्टॉक था वो इतना खप नहीं रहा था क्योंकि ग्वार के जो विकल्प थे उनका यूज़ ज़्यादा किया जा रहा था। और अब ग्वार की इंडस्ट्रियल डिमांड है, ग्वार की मांग निकल के सामने आई है जिसकी वजह से ग्वार की कीमतों में तेजी देखने को मिल रही है। तो यही सारे कारण हैं कि जिसकी वजह से ग्वार की कीमतों में तेजी देखने को मिल रही है।
आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं यहाँ से अब एडिबल ऑयल पैक की। एडिबल ऑयल पैक में सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पे सरसों की। सरसों का अक्टूबर वादा देखने 8,250 पर कारोबार कर रहा है। आपको बता दें कि सरसों की कीमतों में हाल फिलहाल में हमने वायदा बाजार के अंदर एक नरमी आते हुए देखी है। दरअसल ज़्यादातर पेराई मिलें बंद हो चुकी हैं, क्योंकि जो जिनके पास सरसों का स्टॉक था वो सरसों का तेल मार्केट में उतार चुकी हैं, अब उनके पास स्टॉक नहीं बचा है। भारत के ही अंदर सरसों का जो स्टॉक है वो लगभग 30 लाख टन का बचा हुआ है सिर्फ, और किसानों के पास 14 से 15 लाख टन है। और किसान अपनी नई अपनी जो पुरानी सरसों है वो बाज़ार में अब लेकर ही तभी आएंगे जब नई सरसों की आवक आ जाएगी, क्योंकि जब नई सरसों की आवक आएगी तो नई सरसों की आवक में नमी की मात्रा ज़्यादा रहेगी, जिससे किसानों को उनकी पुरानी सरसों के अच्छे भाव मिलेंगे। तो किसान अभी अपनी पुरानी सरसों को तभी उतारेंगे मंडियों के अंदर, मार्केट्स के अंदर, जब नई सरसों की आवक हो जाएगी, और नई सरसों की आवक होगी फरवरी मार्च के में। तो अभी समय है थोड़ा सरसों की आवक आने में, नई आवक आने में, और इतने में स्टॉक की भी भारी कमी है और पेराई मिलें भी बंद हो चुकी हैं। और पेराई मिलें वो बंद हुई हैं जिनके पास स्टॉक नहीं था और जो ऊंची कीमतों पर सरसों की खरीद नहीं कर पाए। अब इस चीज़ को ऐसे तरीके से दिखाया जा रहा है, इस नेगेटिव तरीके से दिखाया गया है, जिसकी वजह से वायदा बाज़ार पर और हाजिर मंडियों पर किसानों की सरसों की जो कीमतें हैं उन पर एक गिरावट वाला माहौल बनता हुआ नज़र आया है। इसका जो भुगतान है किसानों को सरसों की कीमतों में गिरावट के तौर पर करना पड़ा है। खबर तो फैला दी कि पेराई मिलें बंद हो गई, वायदा बाजार में गिरावट आई है, और जिसकी वजह से इसका जो प्रभाव है किसानों की सरसों की कीमतों पर देखने को मिला। लेकिन किसानों का भी सवाल है, अगर सरसों में गिरावट है तो सरसों के तेल में क्यों नहीं है, सरसों तेल उसी रेट पर क्यों बिक रहा है, और जबकि उसी रेट पर बिकने की बजाय उस सरसों तेल की जो कीमतें हैं वो ज़्यादा तेज़ क्यों होती जा रही हैं लगातार। और सरकार का भी एक्शन तभी आया है जब किसानों की नई फसल आने वाली है, ऐसा ही तब हुआ था जब सोयाबीन की बुआई के समय, सोयाबीन की बुआई के समय भी किसानों के साथ ऐसी हुआ था, और अब सरसों की बुआई के समय भी किसानों के साथ ऐसी हो रहा है। तो किसानों का भी सवाल है कि अगर कीमतें तेज होने से, सरसों की कीमतें तेज होने से एक्शन लिए जाते हैं जिसकी वजह से किसानों को सरसों के दाम कम मिलते हैं और उपभोक्ताओं को फायदा हो नहीं रहा है सरसों तेल की, सरसों तेल में, क्योंकि उपभोक्ता अभी भी ज़्यादा कीमतों पर ही सरसों का तेल खरीद रहा है, तो जो कंपनियां हैं सरसों के तेल वाली उन्होंने तो दाम कम किए नहीं है, तो फ़ायदा ना किसानों को हुआ है ना ही उपभोक्ताओं को हुआ है। तो किसानों का भी ये सवाल है कि फ़ायदा हो किसको रहा है, क्योंकि किसानों की सरसों के दाम तो घट गए हैं। लेकिन हमने इस बारे में एक वीडियो भी डाली अपने चैनल पर, आप जाके देख सकते हैं, जिसमें एस्ट्रो मनी गुरु कर्नल अजय जी ने साफ साफ बताया कि कीमतें आगे क्या रह सकती हैं, क्यों रह सकती हैं, लॉजिक क्या है, आप उस वीडियो को भी जाके देख सकते हैं। और आपको बता दें कि आगे जाके सरसों की डिमांड बढ़ेगी, कम नहीं होगी, तो जो किसान है वो सतर्क हो जाए, वो किसी के बहकाए में ना आए, सरसों की अपनी सरसों जितनी बची है जो बहुत ही कम है अभी किसानों के पास, उसको काफ़ी ज़्यादा सोच समझ के बेचें, क्योंकि आगे जाके सरसों की डिमांड कम नहीं होगी और ना ही कीमतें, दोनों ही बढ़ेंगी। तो अब किसानों के ऊपर डिपेंड करता है कि उन्हें अपनी सरसों कब, किसको, कितने दाम पर बेचनी है। बात करें यहाँ से अगर अब सोयाबीन की, तो देख रहे हैं कि सोयाबीन का अक्टूबर वादा 5,342 पर कारोबार कर रहा है 2.3% की करेक्शन के साथ। देख रहे हैं कि सोयाबीन का अक्टूबर वायदा अब एक गिरावट की ओर चल पड़ा है। आपको बता दें कि सोयाबीन की कीमतें सोयाबीन की बुआई के समय वायदा बाजार के अंदर 10,000 तक देखने को मिली, और उस समय इसको किसानों का अनलक कह लें, क्योंकि उस समय किसानों के पास स्टॉक था नहीं सोयाबीन का। जिस समय वायदा बाजार के अंदर सोयाबीन की जो कीमतें हैं 10,000 के भी पार जाती नज़र आई थी, अगर किसानों के पास उस समय सोयाबीन का स्टॉक होता तो किसानों को उसका लाभ भी मिलता, लेकिन किसान उस समय सोयाबीन की कीमतों में तेज़ी का लाभ नहीं उठा पाए। लेकिन किसानों को आशा थी कि चलो सोयाबीन में तेज़ी बन रही है, बातें ऐसी चल रही हैं, उस समय ऐसी बातें बताई जा रही थी और एनालिस्ट द्वारा ऐसे आंकड़े बताए जा रहे थे कि जो सोयाबीन है उसकी बुआई कम रह सकती है, क्योंकि उस समय सरसों की जो सोयाबीन थी उसकी बुआई की
बीजों की किल्लत थी, बुआई के लिए बिजाई के लिए सोयाबीन की बीजों की किल्लत देखने को मिली थी, किसानों के पास बीज नहीं थे, ब्लैक मार्केटिंग भी देखने को मिली थी सोयाबीन के बीजों की, किसानों ने महंगे दाम पर सोयाबीन के बीज खरीद कर भी किसान सोयाबीन की बुआई करी। लेकिन अब जब सोयाबीन की फसल आई तब शोर मच गया कि खाद्य तेलों के दाम ज़्यादा हो रहे हैं और बुआई का जो रकबा है लगभग पिछले साल के मुकाबले ज़्यादा ही हो गया क्योंकि बारिश ज़्यादा देखने को मिली है। वही जब बीज ही नहीं था तो बुआई किस चीज़ की हुई? और अगर आंकड़ों ऐसे बता भी दिया तो भारी बारिश की वजह से इस समय जो सोयाबीन की जो फसल है वो भी तो खराब हुई है। और दूसरा, खपत के भी आंकड़े देखने ज़रूरी है। केवल और केवल अगर कोई उत्पादन के आंकड़े अपने बता देता है या कोई दूसरी प्राइवेट कंपनी या सरकार उत्पादन के आंकड़े ज़्यादा बता देती है तो खपत के भी आंकड़े ज़रूरी होते हैं कि खपत कैसी देखने को मिल रही है और डिमांड कैसी है। तो सिर्फ और सिर्फ केवल उत्पादन के आंकड़ों पर ही ये आकलन नहीं लिया जा सकता है कि सोयाबीन में या किसी और पर्टिकुलर कमोडिटी के अंदर आगे जाके मंदी आएगी या तेज़ी। यहीं पे बात कर रहे थे हम सोयाबीन की, तो सोयाबीन में भी अभी यही सीन देखने को मिल रहा है। सोयाबीन के अंदर भी अभी हाल फिलहाल के अंदर यही सिनेरियो देखने को मिल रहा है। फसलें खराब भी हुई हैं, अगर उत्पादन के आंकड़े ज़्यादा हैं तो फसलें खराब भी हुई हैं और आगे जाके सोयाबीन के जो भाव हैं वो बढ़ने की उम्मीद है क्योंकि सर्दियाँ आ गई हैं, तेल की जो डिमांड है वो बढ़ेगी और सोयाबीन की भी जो मांग है वो भी बढ़ती हुई नज़र आएगी। तो जो किसान है वो सतर्क हो जाएं, सोयाबीन को सोच समझ के रखें और सोच समझ के ही बेचें। तो आशा करते हैं आपको हमारी जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी जानकारी पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर आपके कुछ अपने आइडियाज़ हैं, सजेशंस हैं या फिर आप कुछ किसी दूसरी कम्युनिटी के बारे में जानना चाहते हैं तो अपने कमेंट सेक्शन में छोड़ सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे आपके लिए उस कम्युनिटी के ऊपर जानकारी लाने की।